गोले का मंदिर चौराहे पर सोमवार को पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया जब चौराहे के पास एक ही बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया और मौके पर मौजूद महिला सूबेदार ने बुजुर्ग को न केवल CPR देकर जान बचाई बल्कि बाद में बुजुर्ग को अस्पताल में भी भर्ती कराया। ऐसे में महिला ट्रैफिक सूबेदार के इस कार से न केवल पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया बल्कि एक बुजुर्ग को बचाया जा सका। घटनाक्रम के मुताबिक गोले का मंदिर चौराहे से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे तभी अचानक उनके सीने में दर्द होने लगा और वे एक जगह बैठ गए, साथ ही वे अचानक से बेहोश भी हो गए। बुजुर्ग के बेहोश होकर गिरता देखकर चौराहे पर तैनात ट्रैफिक सूबेदार सोनम परासर मौके पर पहुंच गई। बुजुर्ग को देखने पर लगा कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। यह देखकर सोनम परासर ने तुरंत बुजुर्ग को CPR देना शुरू किया। CPR देने के बाद बुजुर्ग की हालत में कुछ सुधार हुआ लेकिन होश नहीं आया। ऐसे में ट्रैफिक सूबेदार सोनम परासर ने एम्बुलेंस बुलाकर तुरंत बुजुर्ग को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जाता है कि जिन बुजुर्ग को हार्ट अटैक आया है वे गोले के मंदिर के पास ही रहने वाले हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि उनका बेटा भी दिल्ली में डॉक्टर है। बुजुर्ग के स्वजनों को उनकी हालत के बारे में सूचित किया गया है जिससे उनका बेहतर उपचार हो सके। अंकल जी, अंकल जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, अच्छा।